सो हाय गाइस, तो मित्रों और मित्रनियो, जैसे कि आप लोग जानते हो, इस बार गगन नावरो ने अपने गोल्ड डॉल को चेंज भी नहीं किया था एंड अपने इफेक्ट टोकन स्टोर के अंदर हमको अपडेट भी देखने को नहीं मिला था। तो इसलिए गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अपने इफेक्ट टोकन स्टोर अपडेट के बारे में। कब तक आप लोग को अपने इफेक्ट टोकन स्टोर के अंदर अपडेट देखने को मिलेंगे और कौन कौन से रिवॉर्ड्स को इस बार अपने इफेक्ट टोकन स्टोर के अंदर ऐड किया जाएगा, तो बताऊंगा आप लोग को इफेक्ट टोकन स्टोर अपडेट के बारे में। साथ ही में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टू नाइट अपडेट के बारे में। और तो और गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले अपने रिटर्न इनक्यूबेटर के बारे में। आप लोगों को पोकार एमपी पट्टी फिर से अपने गेम के अंदर जो है बैक देखने को मिलने वाले इनक्यूबेटर के रूप में। एंड साथ ही साथ में गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अपने इवोल्यूशन AC80 के बारे में। उसके थीम पे कुछ आइटम्स को भी डिजाइन किया गया है, आज उसके भी रिव्यू करने वाला हूँ और भी काफी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट को आज के इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। आप सबका काम बस एक ही है, वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप ना करके। तो आओ गाइस, अब बढ़ते आगे और सबसे पहले हम बात करेंगे टू नाइट अपडेट के बारे में। हालांकि गाइस को अपने जो टू नाइट अपडेट है वो बेसिकली सिर्फ अपने इनक्यूबेटर के ऊपर ही है और आपको मैंने इनक्यूबेटर का रिव्यू शायद इस चैनल के अंदर आप लोगों को मैं शायद 2-3 पहले रिव्यू कराया था, 2-3 दिन हो गया उसको रिव्यू कराया हुआ। तो अगर आपको याद नहीं है तो फिर से एक बार रिव्यू करा दूं कुछ सेकंड लेकर, क्योंकि आप लोग कल सुबह अपने गेम के अंदर एक न्यू इनक्यूबेटर देखने को मिलने वाले हैं जिसके अंदर चारों बंडल आएंगे। जो चारों बंडल आप लोग को मिलने वाले हैं उसका रिव्यू गाइस आप लोग यहां पर देख पा रहे हो। बेसिकली आप लोग को दो मेल बंडल देखने को मिलेंगे एंड साथ में गाइस दोनों फीमेल बंडल। हालांकि मैं अपने मेन चैनल के अंदर भी आज इस वाले अपडेट को कवर किया हूं, लेकिन वीडियो के रूप में नहीं, वहां पर बस मैंने कुछ सेकंड लिया हूं, मतलब कि उसके अंदर मैं कल रिव्यू कराया था इसलिए। बाकी जो भी होगा इस इनक्यूबेटर एक बार गेम के अंदर आ जाएगा तो भाई उसके बाद रिव्यू करने का कोई फायदा नहीं बनता, इसलिए भाई टू नाइट अपडेट है तो दोनों चैनल के अंदर कवर कर दिया हूं। बाकी बहुत टाइम बाद अपने इनक्यूबेटर के अंदर हम लोग को बंडल वगैरह देखने को मिलने वाले हैं। काफी शानदार से बंडल को भी डिजाइन भी किया गया है नेक्स्ट में इनक्यूबेटर देने के लिए। और बस एक ही चीज इसमें न्यू है कि भाई आप लोग को चार बंडल देखने को मिलेंगे, दो मेल दो फीमेल। हालांकि हमको 6 बंडल देखने को मिलते हैं नॉर्मली इनक्यूबेटर के अंदर जब मेल फीमेल अलग अलग आता है तो, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि गरना वाले को पता है कि हम चार बंडल से जब बढ़िया तरीके से लूट पाएंगे तो भाई क्यों हमको 6 बंडल देना है। बाकी अगर आपके पास डायमंड वगैरह है तो स्पिन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कुछ वाउचर वगैरह है फ्री में जमा की हो तो भाई उसको देकर स्पिन कर सकते हो। काफी शानदार आपको फीमेल बंडल देखने को मिलेंगे, उसका जो टॉप है वो टॉप तो एकदम लाजवाब है। वैसे गाइस जब मैंने ये बात कल अपने वीडियो के अंदर बताया तो भाई कुछ कमेंट आया था कि सनी भाई ठरकी हो गए हो, फीमेल बंडल को बढ़िया बता रहे हो। अब जरा आप लोग मुझे ये बात बताओ, इस बंडल के अंदर हमको इफेक्ट वगैरह देखने को मिलता है उसी को हम बढ़िया बोलेंगे ना? कितना बढ़िया इफेक्ट देखने को मिलता है फीमेल बंडल में, मेल बंडल में ऐसा कुछ है? तो इसीलिए यार बढ़िया था, जरा समझा करो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बाकी तो आओ गाइस, अब बढ़ते वीडियो में आगे और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अपने आने वाले गेम के अंदर न्यू इवोल्यूशन AC80 के बारे में। हालांकि आप लोग ऐसा कह सकते हो कि यही होने वाला है अपना नेक्स्ट इवोगन, क्योंकि इसके अलावा जो है बचता है गाइस वो है इवोल्यूशन G18, वो भी गेम के अंदर बहुत जल्द आएगा और इवोल्यूशन AC80 भी अपने गेम के अंदर बहुत जल्द आने वाले है। इन दोनों इवोगन में एक गन काफी जल्दी में आएगा, लेकिन अपना जो इवोल्यूशन G18 है गाइस वो अभी तक पूरा तैयार नहीं हुआ है, इसलिए शायद आपको पहले इवोल्यूशन AC80 अपने गेम के अंदर देखने को मिलने वाले, जिसका लुक गाइस आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। इसको बिच्छू को थीम पे डिजाइन किया गया है, एट्रीब्यूट को अभी तक इसके अंदर ऐड नहीं किया गया है और ये आपको मैं जो रिव्यू गाइस कर रहा हूँ ये एडवांस अवार्ड आने के एक दिन बाद वाला रिव्यू है। तो भाई कह सकते हो तब का टाइम पे इसके अंदर एट्रीब्यूट ऐड नहीं किया गया था। अगर अपकमिंग टाइम पे कुछ और रिव्यू निकल कर आ जाए तो भाई उसके अंदर हमको एट्रीब्यूट डिफरेंटली ऐड होकर ही देखने को मिलेंगे। बाकी जो मैक्स लेवल का गाइस इमोट है वो देखने में कुछ ऐसा रहने वाला है। देन आप लोग को इवोल्यूशन AC80 के थीम पे कुछ आइटम्स भी देखने को मिलेंगे, जिसमें कि सबसे पहले आपको ये वाला परंग का स्किन देखने को मिलने वाले है, जो कि आप लोग को मतलब कह सकते हो इफेक्ट के साथ देखने को मिलेंगे लेकिन ये लेजेंडरी नहीं है। और दूसरी बात गाइस देखो, आप लोग को परंग स्किन के अलावा आप लोग को मिलने वाले एक न्यू गुलवाल का स्किन, जो कि आप लोगों को नॉर्मल से देखने को मिलेंगे, थीम गुलवाल स्किन ऐसा कह सकते हो। बाकी उसके बाद गाइस हम आगे बढ़ते बात करें नेक्स्ट रिवॉर्ड्स के बारे में। तो गाइस देखो नेक्स्ट में आपको कुछ इस तरीके से एक बैकपैक का स्किन देखने को मिलने वाले हैं। अभी ये जो गाइस बैकपैक का स्किन है ये देखने में थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है। बाकी गाइस को यहां पर आपको बेसिकली 3 आइटम्स ऐसे देखने को मिलता है, जिनमें से एक दो आइटम आप लोग को नेक्स्ट में टॉप इवेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। जैसे गाइस यहां पर आप लोग को हो गया बैकपैक का स्किन, देन गुलवाल स्किन हो सकता है, ये दोनों आइटम हमको टॉप इवेंट के अंदर देखने को मिल जाए, या फिर आपको मैं एक लूट बॉक्स का भी यहां पर रिव्यू करा रहा हूं। तो ऐसे भी हो सकता है कि आप लोग को ये वाला लूट बॉक्स की स्किन और साथ में गुलवाल ये दोनों आइटम आप लोग को जो है नेक्स्ट में अपने टॉप इवेंट के अंदर आ जाए, लेकिन नेक्स्ट नहीं बल्कि जब अपने इवोल्यूशन AC80 गेम के अंदर आएगा उस टाइम पे आपको ये आइटम्स जो अपने गेम के अंदर देखने को मिल सकता है नेक्स्ट टॉप इवेंट के अंदर। हालांकि इवोल्यूशन AC80 का रिव्यू आपको मैं करा दिया हूं और उसका मैक्स लेवल का जो इमोट है वो भी आपको मैं दिखा दिया हूं कैसा कुछ देखने में होगा। तो अब गाइस यहां पर कुछ और बातें कर लेते हैं इवोल्यूशन AC80 के बारे में। बेसिकली आप लोग को इवोगन तो देखने को मिलता है अपने फेडरल ड्यूल इवेंट के अंदर, इस बार भी कुछ ऐसे ही होगा, आप लोग को इवोल्यूशन AC80 भी अपने फेडरल ड्यूल इवेंट के अंदर ही देखने को मिलने वाले हैं। और जैसे ही फेडरल ड्यूल के अंदर आएगा तो भाई डायमंड भी ऑलमोस्ट 1000 डायमंड लगाना पड़ेगा, बड़े आसानी से बाई कर पाओगे। वैसे गाइस देखो एट्रीब्यूट को ऐड तो नहीं किया गया है, लेकिन अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो भाई देखो इवोल्यूशन जो AC80 भाई AC80 के अंदर ऑलरेडी हमको पहले से बहुत खतरनाक डैमेज देखने को मिलता है, तो भाई जाहिर सी बात है हमको डबल डैमेज तो देखने को नहीं मिलेंगे। आप लोगों को मिलने वाले हैं डबल रेट ऑफ फायर या तो सिंगल आर्मर पेनिट्रेशन या फिर सिंगल डैमेज, इन दोनों में एक चीज देखने को मिलेंगे लेकिन डबल रेट ऑफ फायर ही देखने को मिलने वाले हैं। बाकी तो आओ गाइस इसके साथ में अब बढ़ते वीडियो में आगे और यहां पर हम बात करेंगे अपने रिटर्न इनक्यूबेटर के बारे में। गाइस आप लोगों को पोकर एमपी पट्टी जो इनक्यूबेटर है वो अपने गेम के अंदर बहुत जल्द बैक देखने को मिलने वाले है। अब ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, इसके कुछ
खास वजह है। बेसिकली गाइस गर्नर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ इस तरीके से एक पोस्ट डाला था जहां पर कि अपना पोकर MP40 का टॉप वाला गन स्किन था। आप लोग को अपना UID कमेंट करना है सही बैनर देखकर, जो कि आपको मैंने कल के वीडियो के अंदर कवर भी किया था कि रिडीम कोड था बेसिकली ये। और गाइस को जो पोकर MP40 जब भी गर्नर वाले कवर की है तो भाई कहीं ना कहीं इस बात से लिंक यही है कि आप लोग को अपकमिंग टाइम पे पोकर MP40 ब्लैक टी शर्ट ये दोनों आइटम्स बहुत जल्द अपने गेम के अंदर देखने को मिलने वाले है। मेरा आज का टॉपिक ब्लैक टी शर्ट के ऊपर नहीं है लेकिन पोकर MP40 के ऊपर जरूर है। तो गाइस आप लोग यहाँ पर रिव्यू के अंदर देख पा रहे हो कुछ सर्वर के अंदर इसको कुछ टाइम पहले गाइस इस तरीके से रिंग इवेंट के अंदर दिया गया था जहां पर कि हमको 5 पोकर MP40 देखने को मिलता है, जो कि आप लोग चाहो तो भाई स्पिन करके भी ले सकते हो या फिर गाइस यहां पर आपको बहुत सारे टोकन्स देखने को मिलता है। अगर चाहो तो भाई इन टोकन के बदले भी आप लोग इसको जो एक्सचेंज वगैरह कर पाओगे। तो मेन बात यह है जबकि गर्नर वालों ने इसको अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर डाला है कि पोकर MP40 का भी यहां पर गाइस हमको बैनर शो हुआ था, तो भाई देखो कहीं ना कहीं अपकमिंग टाइम पे आपको बहुत जल्द अपने गेम के अंदर पोकर MP40 अपने रिटर्न इनक्यूबेटर के रूप में देखने को मिलने वाले और ये मेरा ओपिनियन है। एंड दूसरी बात भाई देखो बहुत टाइम से अपने गेम के अंदर पोकर MP40 हमको बैक देखने को भी नहीं मिला है, कुछ रिटर्न इनक्यूबेटर भी गेम के अंदर आया नहीं है। लेकिन आप लोग तो जानते हो अपने गेम के अंदर तभी कुछ चीजें आते हैं जबकि वो पहले से बाहर के अदर सर्वर के अंदर आ रखे, ब्राजील के अंदर आ जाए, जितने भी अदर सर्वर है लतम सर्वर वहां पर आ जाए, उसके बाद ही हमको अपने इंडिया सर्वर के अंदर वो आइटम्स कुछ टाइम बाद में देखने को मिलता है। और ऑलरेडी पोकर MP40 ब्राजील लतम जितने भी सर्वर है उन सब में पहले से ही आ गया है, तो भाई कहीं ना कहीं चांसेस इस हमको मिलाकर यही बढ़ता है कि आने वाले टाइम पे गाइस आप सभी को अपने गेम के अंदर पोकर MP40 फिर से बैक देखने को मिल जाए और वो रिंग इवेंट के जरिए से भी देखने को मिल सकता है जैसे आपको मैं रिव्यू कराया हूँ, या फिर गर्नर वाले कुछ ऐसे भी कर सकते हैं कि फिर से इसको अपने जो इनक्यूबेटर के अंदर ही बैक करा दिया जाए या फिर 2-in-1 इनक्यूबेटर भी गेम के अंदर आ सकता है जिसमें कि गन स्किन रहेगा और बंडल रहेगा। बाकी गाइस मेरे हुए लिख के अकॉर्डिंग मेरा ओपिनियन लगाकर और कुछ पोस्टर वगैरह देखकर जो अपडेट मेरे पास आया था वो मैं कवर किया हूँ। अब देखते हैं गर्नर वाले कब तक अपने गेम के अंदर इसको बैक लाते हैं। बाकी आओ गाइस फिलहाल अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आने वाले अपने FF टोकन स्टोर अपडेट के बारे में, कब तक आप लोग FF टोकन स्टोर के अंदर अपडेट देखने को मिलेंगे और कौन कौन से रिवॉर्ड्स को इस बार ऐड किया जाएगा। बेसिकली गाइस को अपने गेम के अंदर आप लोग FF टोकन स्टोर के अंदर इस बार OB39 अपडेट के बाद अपडेट देखने को नहीं मिला था। इसका खास कारण यही था कि गर्नर वालों ने जो है इस बार अपने गोल्ड लेवल के अंदर कुछ भी न्यू बंडल नहीं लाए थे। आप लोग जानते हो हर बार गेम के अंदर जब भी हमको OB का अपडेट देखने को मिलता है तो भाई ठीक उसी रात 12 बजे के बाद हमको अपने गोल्ड लेवल के अंदर एक न्यू बंडल देखने को मिलता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस बार गाइस डेट को बढ़ा दिया गया था और इसी कारण से आप लोग को FF टोकन स्टोर के अंदर जो है कुछ न्यू बंडल्स देखने को नहीं मिला है या फिर कहा जाए कुछ न्यू रिवॉर्ड्स देखने को नहीं मिला है। लेकिन गाइस जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ आज से लेकर और 3 दिन बाद आप लोग को गोल्ड लेवल के अंदर एक न्यू बंडल देखने को मिलने वाले हैं एंड साथ में गाइस आप लोग को FF टोकन स्टोर के अंदर भी अपडेट देखने को मिलेंगे ठीक आज से 3 दिन बाद, जिस कारण आप लोग को FF टोकन स्टोर के अंदर एक न्यू बंडल्स भी देखने को मिलने वाले हैं। बात करें यहाँ पर कौन सा बंडल होगा तो गाइस को कुछ सर्वर के अंदर इस तरीके से फीमेल बंडल को अपने FF टोकन स्टोर के अंदर अवेलेबल कराया गया है, जिस फीमेल बंडल का यहाँ पर आपको मैं रिव्यू गाइस कर रहा हूँ। बंडल देखने में काफी शानदार सा बंडल है, अगर ये गाइस हमको अपने FF टोकन स्टोर के अंदर देखने को मिलता है तो भाई मजा ही आ जाएगा। अब इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि आप लोग को नेक्स्ट में गोल्ड लेवल के अंदर एक मेल का बंडल देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग को FF टोकन स्टोर में फीमेल बंडल देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो गाइस मैं बंडल का रिव्यू कर रहा हूँ गाइस ये ऑलमोस्ट हर एक सर्वर के अंदर इसी वाले बंडल को अपने FF टोकन स्टोर में दिया गया है, तो भाई चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं आप लोग को यही वाला बंडल देखने को मिलने वाले हैं FF टोकन स्टोर में। लेकिन गाइस अगर गर्नर वाले इस वाले बंडल के अलावा कुछ और बंडल्स हमको अपने FF टोकन स्टोर के अंदर देते हैं तो भाई वो भी दे सकते हैं, लेकिन ये आने का चांस सबसे ज्यादा है। बाकी इसके अलावा कुछ और रिवॉर्ड्स गर्नर वाले जो ऐड कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं अपडेट दे दिया हूँ अपने FF टोकन स्टोर को लेकर। बाकी मेरा वीडियो आज का यहीं तक था, अगर आपको बढ़िया लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ हर दिन की तरह कल शाम को और एक न्यू एंड फ्रेश वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।